हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या बिजनेस ना होने पर, एक्टिवेशन ना होने पर प्रोडक्ट में, प्राइवेट बैंक में क्या बैंक हमें निकाल सकता है, टर्मिनेट कर सकता है या हमारी जॉब जा सकती है, क्या होता है रूल्स से इस चीज़ का, उस पर आज हम बात करेंगे। तो आज बात करने वाले हैं मोस्टली कि बैंक बिजनेस ना होने पर निकालता है या नहीं निकालता है, क्या रूल्स रहते हैं, क्या टारगेट प्रेशर वाली जो चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट एक्टिवेशन मोस्टली, क्योंकि उसी में टारगेट प्रेशर है ना, तो नहीं हो पा रहा है किसी से, नया है कोई, फ्रेशर है, आरएम है, तो क्या बैंक उसको निकाल देगा, क्या रहता है इस चीज़ का सीन, तो उस पर आज हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं, इस पर जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मतलब आज का सिंपल सा है यार, मतलब प्रेशर टारगेट जो होता है, मतलब एक्टिवेशन ना होने पर बैंक हमें निकाल सकता है या नहीं, ये एक क्वेश्चन है सिंपल। इसका मैं जवाब आज आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब आप आरएम की पोस्ट पे आते हो, किसी भी पोस्ट पे, पोस्ट कोई सी भी पोस्ट हो, जब आप प्राइवेट बैंक में आते हैं, ठीक है, तो आप कभी भी पढ़िए उनके रूल्स एंड रेगुलेशन। रेगुलेशंस पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती है कि बैंक की पॉलिसी क्या रहती है, पॉलिसी के बारे में नहीं पढ़ा। रूल्स एंड रेगुलेशंस एक तरीके से पॉलिसी होगी, पॉलिसी को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं यार, आप आ रहे हैं बनने जा रहे हैं या बैंक में कोई भी पोस्ट पर, सबसे पहले अब कितने क्या रहता है कैलकुलेशन की बिजनेस ना होने पर बैंक हमें निकालता है या नहीं निकालता। सीधे शब्दों में मैं आपको अगर इसका आंसर देना चाहूँ तो बैंक आपको डायरेक्ट कभी नहीं निकालता है, तो नो। अब क्या रहता है कि कितने मंथ तक बिजनेस ना होने पर बैंक निकाल सकता है या क्या सीन रहता है, देखो सबसे पहला होता है कि आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी पर, आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो भी हैं, अप्रूवल और जॉब लॉस या फिर जॉब लॉसेस, जॉब से निकाल देना, टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेट द्वारा लिख देता हूं मैं, टर्मिनेट कर देना, या फिर आपका अप्रूवल जॉब लॉसेस या फिर टर्मिनेट कर देना, ट्रांसफर, ये सारी चीजें आपके आरए के अंदर में आती है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो सकता है आपके टीम लीडर हो, ब्रांच मैनेजर हो, या कोई भी हो सकता है। ये इतनी चीजें रिपोर्टिंग अथॉरिटी के हाथ में होती है, बट रिपोर्टिंग अथॉरिटी को किससे अप्रूवल लेना होता है, एचआर से। इन सबके ऊपर बैठे हुए हैं एचआर, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस की, ठीक है। अब आप जब आरएम होते हैं, आप शुरू में आपको टारगेट प्रेशर दिया जाता है, अगर 3 मंथ तक, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर नीचे का कहने का मतलब हर बैंक के अपने थोड़े थोड़े अलग रूल होते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं कह रहा हूँ, 3 मंथ तक कोई एक्टिवेशन नहीं है, नो एक्टिवेशन या फिर निल है एक्टिवेशन, इस केस में आपके आरए रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपका ट्रांसफर करा सकते हैं। टर्मिनेट बैंक कभी नहीं करेगा आपको, सबसे पहली बात मैं लिख देता हूं, टर्मिनेट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा बैंक। टर्मिनेट कब करती है ना, जब बैंक की पॉलिसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप कोई स्कैम कर रहे हैं बैंक के अंदर रह के, आप रिश्वत ले रहे हैं या फिर आप धोखाधड़ी से डाटा को इधर उधर कर रहे हैं, तब बैंक आपको टर्मिनेट करता है। या फिर आप बैंक को एकदम से छोड़ दिया, रिजाइन वगैरह का प्रोसेस नहीं दिया, तो बैंक आपको ब्लैक लिस्ट कर देता है, मतलब टर्मिनेट कर देता है, तो आप उस बैंक को दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। ये होता है एक टर्मिनेशन का प्रोसेस, थोड़ा अलग रहता है। बट यहाँ पे अगर आपका 3 मंथ तक एक्टिवेशन नहीं हुआ, तो आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे जिनके हाथ में अप्रूवल रहता है, वो आपका क्या करते हैं ना, आरए ट्रांसफर करा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर, और दूसरी चीज़ है कि कभी तो वो करा सकते हैं ट्रांसफर, इतने मंथ तक नहीं होने में, तो ट्रांसफर कैसे होता है वो एचआर को मेल करेंगे, ये सब बता देते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ईजिली समझ आए। आपने देखा रिपोर्टिंग सब आपके रिलेशन
रिपोर्टिंग अथॉरिटी के हाथ में होती है, जो भी आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगी हमारे आपके क्या करते हैं, हमारे एचआर को मेल करते हैं, मेल करते हैं, ठीक है। और जब मेल करते हैं तो वो सीधा जब मेल एचआर को जाता है तो एचआर आपको कॉल करते हैं या फिर एचआर आपको मेल करेंगे, मतलब आरएम को मेल करेंगे एचआर या फिर कॉल करेंगे, वो आपको फर्स्ट वार्निंग मेल करेंगे। मेल का होता है ना, वार्निंग मेल आता है किस चीज को लेकर, प्रोडक्ट एक्टिवेशन को लेकर, प्रोडक्ट एक्टिवेशन, प्रोडक्ट एक्टिव, ये डब्लू लग रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, डिजिटल बोर्ड लेने की सोच रहा हूँ बट इतना अभी यार पैसा नहीं है, आप मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं कि मैं एक जो डिजिटल बोर्ड आता है ना उसको खरीद सकूँ, काफ़ी कॉस्टली है यार। तो जब तक इससे काम चल रहा है चलाइए। इन्फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी, तो प्रोडक्ट एक्टिवेशन नहीं होता तो फर्स्ट वार्निंग मेल आता है, ठीक है। अगर आपको को बता दिया जाए कि इतना टाइम दे दिया कि आपको अब इतने मंथ में प्रोडक्ट एक्टिवेशन चाहिए, ठीक है, नहीं हो पाता है तो सेकेंड वार्निंग मेल आएगा, थर्ड आएगा। थर्ड वार्निंग मेल के बाद एचआर या तो आपको बोलेंगे कि आप रिजाइन डाल दो या फिर वो बोलेंगे कि हम आपको टर्मिनेट कर, क्योंकि अब आप हमारी बातों को भी सीरियस नहीं ले रहे हो। एचआर बोलेगा आप हमारी बातों को भी नहीं मान रहे हो, आप बिजनेस ला के नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तरह समझ रहे हो इसको, तो ऐसा नहीं है, पॉलिसी हमारी अलग है। तो इस केस में एचआर क्या करेगा, आपको टर्मिनेट कर सकता है। तो टर्मिनेट का प्रोसेस होता है ये। बाकी दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अब देखो ज़्यादातर बिजनेस ना होने पे आपको आरएमजी में डाल दिया जाता है। आरएमजी का मतलब भाई साहब मुझे भी नहीं पता और अब तक किसी ने बताया भी नहीं। आरएमजी में डालने के बाद जब एचआर के पास आपका नाम जाता है, आरएमजी में जब आपका नेम डलेगा, ये किसके पास जाएगा, एचआर के पास। एचआर चेक करता है कि यार आरएमजी में इसका नाम है। एचआर आपकी पूरी प्रोफाइल देखेगा, देखेगा एक्टिवेशन। सेकंड एचआर क्या देखते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा रहा, बिहेवियर। तो अगर एक्टिवेशन बिल्कुल नहीं है और आपके बिहेवियर पे भी एक मेल गया है, क्या हम उसको बोलते रहते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ शेर लाएगा ये वो या रोके दिखा देगा, इस केस में फिर आपका आरएमजी में जब नाम आता है तो आपका ट्रांसफर होता है। कुछ का ट्रांसफर ऐसी जगह होता है जैसे कि अब आप कहाँ के हैं, आप हैं दिल्ली एनसीआर के और आपको दे दिया साउथ का एरिया, तो आपको ना तो लैंग्वेज समझ आएगी और लैंग्वेज इश्यू रहेंगे, तो उस वजह से आप यहाँ के डीएम, आपको डीएम जो होंगे उस लैंग्वेज उस रीजन के होंगे, वहाँ की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और आप खुद ही रिजाइन दे देंगे। तो आप समझे उनके बैंक वो अपने देखो पॉलिसी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं बैंक, आपने देखा उन्होंने आपको सिर्फ ट्रांसफर किया, आपने उनको उन्होंने आपको टर्मिनेट नहीं किया, क्योंकि पॉलिसी के अंडर में नहीं आता। आरबीआई के अंडर में भी काम करते हैं प्राइवेट बैंक, लाइसेंस किस कौन देता है, आरबीआई, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ट्रांसफर उसका भाई उस नॉर्थ वाले का ट्रांसफर साउथ में डाल दिया। अब इश्यू क्या आता है यहाँ पे आपको, आप देखते हैं नॉर्थ वाला बच्चा है यार, मैं हम हिंदी बोलते हैं ज़्यादातर नॉर्थ में, ठीक है, या फिर इंग्लिश बोलते हैं, आप साउथ में अगर आपको डाल दिया तो साउथ में सबसे ज़्यादा लोकल लैंग्वेज बोली जाएगी, उसके बाद इंग्लिश बोली जाएगी, ठीक है। अब आप वहां पे क्या होगा ना, वहां पे लैंग्वेज इश्यू रहेगा ना आपको, तो आप वहां पे पहली बार तो बंदा जाएगा नहीं, उनका कहाँ डाल दिया है साउथ में रूरल में वो ब्रांच है, बंदा बोलेगा यार मैं नहीं जाएगा, हटाओ रिजाइन दे दो, ट्रांसफर कर दिया आप नहीं, दूसरी जॉब देख लूंगा, सबसे पहले वहां पे रिजाइन हो जाएगा आपकी तरफ से। तो एचआर दोनों तरफ देखो पॉलिसी वो अपनी फॉलो करते हैं बट वो माइंड इतना लगाते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो सोचते हैं टर्म ट्रांसफर ऐसी जगह दो, पहली बार बच्चा जाएगा नहीं और गया तो वहाँ लैंग्वेज की वजह से नहीं रुकेगा, रिजाइन दे देगा, मतलब हमसे कलेश खत्म, बिजनेस करे या ना करे। तो दो चीज़ों में आपने देखो लैंग्वेज जब इश्यू होगा तो आप खुद यार वहाँ से परेशान होकर रिजाइन दे देंगे, सिंपल। तो उनको टर्मिनेट भी नहीं करना पड़ा और आपका ये जॉब आपने रिजाइन भी दे दिया तो उनका काम हो गया। हिंदी में लिख देता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप इस चीज को नहीं समझ सकते, ये एचआर का काम हो गया और आपके आरए का, कि हमने डायरेक्ट तो नहीं निकलवाया इसको बट इसने खुद ही छोड़ दिया। तो इस तरीके से सीन रहता है जब आप बिजनेस नहीं।
बात है, बट आपको 3 मंथ का टाइम दिया जाता है, 3 वार्निंग मेल भी आते हैं, कहीं कहीं 2 होते हैं, कहीं कहीं 1 ही वार्निंग मेल होता है, किसी किसी बैंक में डायरेक्ट ही निकाल देते हैं, ट्रांसफर ही नहीं करते, किसी किसी बैंक में सीधा टर्मिनेट कर देते हैं कि निकल जाओ भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। बट बड़ी बैंक हैं हमारे इंडिया की, जो टॉप 10 बैंक हैं, वो सारे RBI के रूल्स को फॉलो करती हैं और अपनी पॉलिसीज को फॉलो करती हैं। वो आपको ट्रांसफर कर देंगे दूसरी जगह, आप खुद ही छोड़ दोगे, आप परेशान होकर छोड़ दोगे, वो जानते हैं इस चीज़ को, इसीलिए नॉर्थ के बच्चों को साउथ में भेजती है, साउथ के बच्चे को नॉर्थ में। अब नॉर्थ में तो आप ब्रांच में जाएंगे, नॉर्थ का बच्चा कस्टमर ब्रांच में जाएंगे, हिंदी बोलेंगे तो भाई साहब वो कैश, अब साउथ का बच्चा बैठा है, अब उसको पता ही नहीं है हिंदी के बारे में, उसको तो अपनी लोकल लैंग्वेज पता है, तमिल तेलुगु वगैरह, या फिर उसको इंग्लिश आता है, कस्टमर गया रूरल के ब्रांच में डाल दिया, कस्टमर आया और भाई साहब कैश जमा कर लो, देख रहा है यस सर हाउ मे आई हेल्प यू। अब नॉर्थ के लोग क्या ना, दिल्ली NCR के ज़्यादातर, भाई कैश जमा कर दे, तुझे सुनाई नहीं जा रही यार, कैश लेके आया हूँ, कौन है यार ब्रांच मैनेजर, बुलाओ उसको। हम लोग तो कस्टमर क्या होता है ना, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, दिमाग ख़राब होता है उनका तो ट्वीट कर देंगे, लिंक्डइन पे डाल देंगे, तो इस तरीके से तो बंदा इस चक्कर में फंस के रिजाइन ही दे देता है, तो उन टर्मिनेट भी नहीं करना पड़ा, रिजाइन दे दे। तो ये होता है कि अगर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्टिवेशन नहीं ला रहे हैं, या आपका बिहेवियर कुछ डिफरेंट है, उनको समझ नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आपको निकलवाने की प्लानिंग होती है। ये चीज़ क्लियर है, आप समझ लीजिए। और इस तरीके के केस होते हैं, मैं जानता हूँ अच्छे से, मैंने सर्वाइव किया हुआ है, मैं रहा हूँ बैंक में, तो मैं इन चीज़ों को बारीकी से समझता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त, अब तो इतने लोग जानते हैं यूट्यूब के थ्रू, क्या ही बोलूँ मैं, सबसे एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ, रीजनल जोनल हेड किसी बैंक के, BSM ब्रांच मैनेजर जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो उनसे मिलता रहता है, तो कभी भी आपको टर्मिनेट भी नहीं करेंगे, बट ऐसी चीज़, ऐसी आपका सर्कल बना देंगे, ऐसी चीज़ बना देंगे, वो अपनी तरफ से कि आप मजबूरी में रिजाइन देके छोड़ दोगे, उनका काम हो गया डायरेक्ट, मतलब उनका काम हो गया डायरेक्ट, उनको कोई तिगड़म नहीं लगाना पड़ा आपको निकालने के लिए, उनका सीधा प्रोसेस है भाई इसका ट्रांसफर करो दूसरी जगह, ये सर्वाइव नहीं करेगा रिजाइन दे देगा, ना तो हम पे कोई बात आएगी, ना ये गालियाँ दे पाएगा, ना कुछ, खुद ही रिजाइन दे देगा। तो बैंक किसी भी केस में जल्दी टर्मिनेट नहीं करता, टर्मिनेट कब करता है, जब आप वार्निंग मेल पे ही रिएक्ट नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट एक्टिवेशन नहीं ला रहे हो, तो HR को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो HR इस केस में टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये रहता है पूरा किस्सा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यार प्रोडक्ट एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर में, और टारगेट प्रेशर रहता है, कभी भी अपना आपका बिहेवियर कैसा भी हो, अपने बॉस से या अपने टीम लीडर रिपोर्टिंग अथॉरिटी से कभी लड़ाई झगड़े मत करना, एज अ ह्यूमन हमारे अंदर नेचर होता है कि हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं, गाली गलौज दे दी कि तू बाहर मिल, ब्रांच मैनेजर हुआ अपने लिए, तुझे मैं बाहर देखूंगा, वो तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें इफेक्ट करती है कि आपको टर्मिनेट किया गया, ब्लैक लिस्टेड किया गया, और दूसरे सेक्टर भी आपको रखेंगे नहीं, क्योंकि दूसरे सेक्टर इस सेक्टर को कॉल करेंगे आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पर कि भाई साहब वो टर्मिनेट क्यों किया था, या फिर आपकी तरफ से, और बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं चलेगा, हम बताएंगे नहीं, एक्सपीरियंस ऐड नहीं करेंगे कि हमें टर्मिनेट किया। तो भाई साहब आपका PF अकाउंट जब क्रिएट होता है ना, तो UAN नंबर से आपका PF अकाउंट चलता है, PF अकाउंट अगर आप किसी बैंक में हैं तो उस बैंक का PF अकाउंट होगा, जब दूसरी बैंक में आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो PF अकाउंट, जब वो UAN नंबर डालते हैं आपका, ठीक है, UAN नंबर में दिख जाता है PF अकाउंट है इस बैंक का, ये बच्चे ने झूठ बोला, वो भी निकाल देते हैं आपको, पहले वहाँ कॉल करेंगे फिर आपको वो भी निकाल देंगे, और वो भी ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, ये कॉर्पोरेट की चीज़ों को छुपा के जो बंदा काम करता है वो कुछ दिनों में पता चल जाता है सेक्टर को, और वो टर्मिनेट करते हैं सीधा आपके सिर्फ झूठ बोलने की वजह से, मिसगाइड करने की वजह से उनको। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और कोई बात नहीं, चलिए आपको शायद अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र करके एक तरीके से निकलवाना ही होता है। डायरेक्ट टर्मिनेट कब करते हैं, बिहेवियर पे, या फिर बिल्कुल ही आप मेल वगैरह कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, डाटा वगैरह लीक कर दिया वो, बट हाँ प्रोडक्ट एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होने पर निकाल देता है बैंक। किस बे से निकालता है, वो बे मैंने आपको बताया कि यार वो किस तरीके को यूज़ करते हैं निकालने के लिए, वो इस तरीके से निकालने के लिए यूज़ करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।